हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार्न अपीयरेंस टेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट है यार्न अपीयरेंस टेस्ट। तो दोस्तों, टेस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में यार्न अपीयरेंस होता क्या है। तो दोस्तों, यार्न अपीयरेंस का मतलब होता है कि किसी भी धागे का विजुअली क्वालिटी एस्टिमेशन, यानी कि उस यार्न के बारे में सिर्फ अपने नेकेड आई से देख के डिसीजन लेना कि यार्न अच्छा है खराब है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। यदि आपके यार्न का अपीयरेंस अच्छा नहीं है या उसके अंदर यार्न इरेगुलरिटीज हैं, तो वो क्या होगा, जब आपका धागा से कपड़ा बनेगा तो वो इम्प्योरिटीज आपके कपड़े में अपियर होंगी दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि ये यार्न अपीयरेंस होता है, यदि आप धागा खरीद रहे हैं, आपने दो सप्लायर से धागा मंगाया और आप उसको विजुअली देख के डिसीजन रैपिड डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा धागा खरीदना है दोस्तों, क्योंकि हर कंपनी के अंदर बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ना ही इतनी बड़ी लैब होती हैं। तो आपको विजुअली देख के ही धागे को सिलेक्ट करना पड़ता है। दो दो पार्टियों से मंगा लिया, तीन से मंगा लिया, चार से मंगा लिया, और आप उसका एक यार्न अपीयरेंस टेस्ट करते हैं, तो उसकी सहायता से आप देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा धागा सबसे अच्छा है, उसी का आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं दोस्तों। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि द विजुअल क्वालिटी एस्टिमेशन ऑफ द यार्न इज कॉल्ड यार्न अपीयरेंस। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि यार्न अपीयरेंस टेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यार्न अपीयरेंस टेस्ट करने के लिए जो क्या क्या अपरेटस रिक्वायर्ड होते हैं, तो पहला तो होता है यार्न बोर्ड बाइंडर, दूसरा होता है यार्न पैकेज, यार्न पैकेज का मतलब जिस धागे का आपको यार्न अपीयरेंस टेस्ट करना है वो, तीसरी होती है गम टेप। तो दोस्तों, टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यार्न अपीयरेंस बोर्ड बाइंडर कैसा होता है। दोस्तों, ये पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं आप कि यार्न अपीयरेंस बोर्ड बाइंडर में क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी के सहायता से इनको इंडिकेट किया है हर पार्ट को, और इनका यहाँ पर डिटेल भी दिया हुआ है कि कौन सा पार्ट क्या है। ये देखिए, ये ए है आपका कोन होल्डर है, और बी बी क्या है, थ्रेड गाइड है, ये है बी थ्रेड गाइड, और सी सी क्या है, ये टेंशनर है आपका, ये यहाँ पर टेंशनर, ये धागे को टेंशन देने के लिए काम करता है। डी क्या है, थ्रेड गाइड है, अगेन धागा क्या है, थ्रेड गाइड से जा रहा है, ये थ्रेड गाइड है। इसके बाद में ई ई क्या है, यार्न अपीयरेंस बोर्ड है, ये आपका ई देख पा रहे हैं, ये अपीयरेंस बोर्ड होता है, इसी के ऊपर धागा बाइंड किया जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है एफ, एफ होता है थ्रेडेड शाफ्ट, ये थ्रेडेड शाफ्ट है, इसके ऊपर चूड़ियां कटी होती हैं, इसी के सहायता से ये होती है आपकी जो यार्न ट्रेवर्स गाइड होती है, ये ट्रेवर्स करती है। और एच क्या है आपका, ये है गम टेप है, जिस इसकी सहायता से जो यार्न का जो एंड होता है या छोर होता है उसको यार्न बोर्ड बाइंडर पर फिक्स किया जाता है। और ये आपका जी, जी है आपका यार्न ट्रेवर्स गाइड होती है दोस्तों। और एच, एच क्या है, हैंड व्हील है, ये इस हैंड व्हील की सहायता से आप जो बोर्ड बाइंडर को रिवॉल्व करते हो, घुमाते हो दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यार्न बोर्ड बाइंडर लेते हैं। तो यार्न बोर्ड बाइंडर क्या होता है कि एक तरफ ब्लैक कलर का होता है दोस्तों, और दूसरी तरफ व्हाइट कलर का होता है। उसको हम माउंट करते हैं यार्न अपीयरेंस टेस्टर पर। तो कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे एक स्लॉट कटा होता है या होल होता है यहाँ पे, और एक होल यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जो स्टड होते हैं उसमें हम ये यार्न अपीयरेंस बोर्ड को फिट कर देते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे नट लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये यार्न बोर्ड बाइंडर होता है जो, वो फिक्स हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, हम धागे को पास करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जो यार्न ट्रेवर्स गाइड होती है उसको हम एक्सट्रीम राइट साइड में ले जाते हैं, यानी कि जितने की वो जा सकती है राइट साइड में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है दोस्तों कि जब हम इसको, ये है आपकी यार्न ट्रेवर्स गाइड होती है, इसको फिक्सिंग करी जाती है,
तो इसको फिक्स इस तरीके से फिक्स करते हैं कि ये वाला धागा होता है ये बोर्ड के बाहर ना निकल जाए, इस तरीके से इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा यान का पैकेज जो आपको मिला हुआ है उसको हम कॉन होल्डर के ऊपर या यान पैकेज होल्डर के ऊपर हम फिक्स करते हैं। ये कॉन होल्डर ए, इसके ऊपर हम फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के बाद में दोस्तों फिर क्या करते हैं हम, आपको ये जो यान होता है, यान का जो टेल होता है या सिरा होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट गाइड से पास करते हैं। डिफरेंट गाइड में आपको देख लीजिए दोस्तों, ये बी ये आपकी थ्रेड गाइड है एक, तो इसके बाद में फिर ये धागा कहाँ से पास हो रहा है, ये टेंशनर से पास हो रहा है, और टेंशनर के बाद में फिर ये थ्रेड गाइड में जाता है, थ्रेड गाइड से ये ट्रेवर्स गाइड में जाता है, और फिर इसके बाद में ये गम टेप की सहायता से इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बाद में क्या होता है, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है या यान अपीयरेंस बोर्ड होता है, बाइंडर होता है, तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो जाता है टेस्ट करने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हैंड व्हील होता है, जो आई है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोस्तों। तो जैसे ही ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये बोर्ड घूमता जाता है, ये वाला ये जो बोर्ड ई बोर्ड है ये भी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, और साथ ही साथ में ये जो ट्रेवर्स गाइड होती है ये राइट से लेफ्ट की ओर स्लोली स्लोली मूव करना चालू कर देती है। इससे बोर्ड के ऊपर यान के कॉइल बनने चालू हो जाते हैं दोस्तों। तो जब हमारा पूरा बोर्ड भर जाता है यान कॉइल से, इसके बाद में हम वहां पे उसको स्टॉप कर देते हैं, और जो आपका जो धागा होता है वहां से उसको तोड़ के और एक गम टेप की सहायता से उसको भी हम फिक्स कर देते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, जब पूरा हो जाता है, जो हमने यहाँ पे ये फिक्स कर दिया है, और फिक्स करने के बाद में ये वाला धागा हम इसको तोड़ देते हैं, अलग निकाल देते हैं। जब ये तोड़ देते हैं, फिर तोड़ने के बाद में फिर क्या करते हैं कि ये जो बोर्ड होता है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालते कैसे हैं, ये दोनों नट होते हैं इनको हम खोल देते हैं और इसको हाथ दोनों हाथों से पकड़ के इसको बाहर निकाल देते हैं। तो आपका इस तरीके से यान अपीयरेंस बोर्ड रेडी हो जाता है। इसके बाद में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, तो ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इररेगुलरिटीज हैं। इररेगुलरिटीज बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, तो हम इसको दोनों तरफ से देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये व्हाइट साइड है और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपकी ब्लैक साइड है। तो आपको व्हाइट साइड में क्या क्या दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो व्हाइट साइड है बोर्ड की, उसके ऊपर आपको जो ब्रोकन सीड होते हैं वो दिख जाएंगे, और अगर यान के अंदर कोई कंटामिनेशन है, सपोज करिए कोई प्लास्टिक का कंटामिनेशन है, प्रोपाइलिन का कंटामिनेशन है, या कोई भी कंटामिनेशन है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। और इसके बाद में ये तुम्हारा ये जो ब्लैक है इसके ऊपर आपको दिख जाएगा कि इसमें नेप्स हैं, और आप इसमें थिक प्लेस हैं या थिन प्लेस हैं, या और भी कोई इम्प्योरिटीज है तो वो भी दिख जाएगी, या आपका जो डेड कॉटन है वो भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन टोटल में पेपर पर लिखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को इस बोर्ड बाइंडर की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। और अब हमें 3-4 सैंपल मिले हुए होते हैं सपोज करिए, तो हम 3-4 सैंपल्स के बोर्ड बनाते हैं और सारे बोर्ड्स का एवोल्यूशन करते हैं, उसमें सारा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चीज है, यान का कलर कैसा दिख रहा है, कितना क्लीन है आपका धागा, इमेच्योर फाइबर या ये डेड कॉटन बोलते हैं वो कितना है, ब्रोकन सीड है कि नहीं है, हेरीनेस कितनी है, थिक प्लेसेस कितने हैं, कंटामिनेशन है कि नहीं है, और थिन प्लेसेस कितने हैं, यान के अंदर नोट्स तो ज्यादा नहीं है, स्लब तो नहीं आ रहा है, नेफ तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम डिसीजन बनाने की या डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाते हैं। और इससे क्या होता है दोस्तों कि आप अच्छा धागा खरीद सकते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करिए कि आपको 4 सैंपल मिले हैं, चारों के रेट सेम है, एवरेज सेम है, उन चारों सैंपल में से आपको बोला जाता है कि आप इनमें से कोई सी भी एक क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए, रेट चारों के सेम है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी एक को सेलेक्ट करने में या एक धागा मंगाने में। तो आप के लिए ये जो यान अपीयरेंस टेस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चारों के बोर्ड बाइंडर की सहायता से बोर्ड बना लेंगे तो उससे आपको एक फेयर डिसीजन
बनाने में मदद मिलेगी दोस्तों, और आपका डिसीजन भी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि यार्न अपीयरेंस टेस्ट कैसे किया जाता है और उससे क्वालिटी एवेल्युएशन कैसे किया जाता है दावे का। दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।